भारत का चुनाव आयोग ECI पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा अपनाए गए चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सभी को अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कह रहा है। दो पहचान पत्रों को जोड़ने का उद्देश्य मतदाता सूची में एंट्रीज को मान्य करना, मतदाताओं की पहचान को प्रमाणित करना और यह जांचना है कि कोई एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार या कई निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत तो नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान या चुनाव फोटो पहचान पत्र EPIC के साथ जोड़ने को अनिवार्य नहीं किया है। इलेक्शन अथॉरिटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार नंबर प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में किसी मौजूदा मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। अब अगर आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग ने कुछ आसान स्टेप्स शेयर किए हैं। अपने आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने के लिए नीचे दी गई स्टेप दर स्टेप गाइड को फॉलो करें। वोटर आईडी को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। स्टेप एक, फोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। स्टेप दो, ऐप खोलें और आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर टैप करें। स्टेप तीन, पहले ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन पर टैप करें। स्टेप चार, इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म फॉर्म 6B पर क्लिक करें और ओपन करें। स्टेप पाँच, अब लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टेप छह, आधार कार्ड से जुड़ा अपना आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड उत पर टैप करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। स्टेप सात, अब यस आई हैव वोटर आईडी पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप आठ, अब अपना वोटर आईडी नंबर EPIC दर्ज करें, अपने राज्य का चयन करें और फेच डिटेल्स पर क्लिक करें। स्टेप नौ, अब प्रोसीड पर क्लिक करें। स्टेप दस, आधार नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ऑथेंटिकेशन की जगह भरें और डन पर क्लिक करें। स्टेप 11, प्रक्रिया पूरी होने पर फॉर्म 6B प्रीव्यू पेज खुलेगा। अपनी डिटेल्स दोबारा चेक करें और अपने फॉर्म 6B का फाइनल सबमिशन करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें।